नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे सात नंबर की। सात नंबर जो होता है उसका स्वामी जो है माना जाता है कि केतु होता है। केतु ग्रह जो होता है सात नंबर का स्वामी होता है। और सात नंबर के जो लोग होते हैं इसीलिए केतु ग्रह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड भी होते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब सात नंबर के लोग होते कैसे हैं ये आइए हम लोग जो हैं जानते हैं। सात नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं मित्रों, उनका सबसे जो बड़ा और बेसिक नेचर होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं हमेशा एकांत की तलाश में होते हैं। उनको एकांत जो है बड़ा अच्छा लगता है, अकेला रहना बड़ा अच्छा लगता है। वो भीड़ में भी रहते हैं तो अकेले ही रहते हैं। और सात नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं वो जीवन में हैं, समाज में हैं, लेकिन समाज में हैं, जीवन में हैं, इसके बावजूद वो लोग एक तरीके से अपनी तंद्रा में रहते हैं। वो अपने आप अपना उनका जो मन रहता है, उनकी जो सोच जो रहती है, वो अपने एक जैसे कह सकते हैं कि आपसे बात भी अगर कर रहे हैं तो वो उनका जो व्यक्तित्व तो है सात नंबर वालों का, वो अपना एक अलग कुछ सोच रहा है, वो अलग एक जो है अपने स्थान पे है। तो एक तरीके से सात नंबर वाले जो लोग होते हैं वो आप कह सकते हैं कि ड्यूअल पर्सनालिटी होते हैं। एक तरीके से सात नंबर वाला जो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं भीड़ में भी अपने आप को अकेला ही महसूस करता है, अकेला रहता है। किसी से बात कर रहा है, बात भी कर रहा है, लेकिन साथ में अकेला भी बना हुआ। ये एक बहुत ही अच्छा और विचित्र स्वभाव जो है सात नंबर वाले व्यक्तियों का होता है। अब जब यहाँ पे इसको हम आपको बता रहे हैं कि ये विचित्र स्वभाव, तो इस विचित्र स्वभाव कहने का मतलब ये है कि जो सात नंबर वाले व्यक्ति होते हैं जिनका कि सात नंबर पूरी तौर पे अच्छे से स्ट्रांग है, तो उनके साथ एक ये भी चीज़ होती है कि उनको गूढ़ विषय में और जो कह सकते हैं अकल्ट साइंसेस है, इन सारी चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, बड़ा अच्छा लगता है और उनको बड़ा मज़ा आता है। वो कोई भी काम जो है बड़ी तन्मयता के साथ सात नंबर वाले करते हैं। अगर सात नंबर वाला व्यक्ति किसी देश का प्रधानमंत्री है तो वो अपने कर्तव्यों के प्रति जो उसके जो कर्तव्य हैं उसके प्रति जो रहेगा वो मतलब एक बहुत आप कह सकते हैं कि ऑनेस्टी से काम करेगा। ऑनेस्टी का मतलब कर्तव्य पूरा करने में। और चाहे वो सड़क पे एक अगर स्वीपर है वो भी सात नंबर का है, तो वहाँ पे भी वो जो अपना काम है काम में एकदम जिसको कह सकते हैं आपकी रम के इन्वॉल्व हो के काम करता है। ये इन्वॉल्व होना जो है आप कहेंगे कि वो सही और राइट वर्ड है कि अगर वो प्रधानमंत्री भी है देश का तो भी वहाँ इन्वॉल्व होकर काम करेगा, और अगर वो स्वीपर भी है तो वो अपने काम में बड़ा इन्वॉल्व होकर काम करेगा और ऐसा काम करेगा कि लोग कहेंगे कि वाह क्या काम कर दिया तुमने। इसीलिए जो सात नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका जो रिजल्ट होता है, जो आउटकम होता है किसी भी काम में, वो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए सात नंबर वाले व्यक्तियों को लोग कहते हैं कि बड़ा सिंसियर आदमी है। सात नंबर वाले व्यक्तियों को लोग इसीलिए कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है काम के प्रति जो है बड़ा सिंसियर है और बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति है। और ये सात नंबर वालों के साथ होता भी, और केवल ये अपने काम के लिए ही नहीं, बाकी अगर उनको कोई जिम्मेदारी भी दी जाती है तो उस जिम्मेदारी को फिर वो बड़ा बखूबी निभाते हैं, बहुत अच्छे से निभाते हैं। उसमें सात नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं बड़े पारंगत होते हैं जिम्मेदारियों को लेने में, ओढ़ने में और उसको पूरा करने में। सबसे बड़ी बात सात नंबर वाले व्यक्तियों के साथ होती है कि सात नंबर वाला व्यक्ति कभी क्रेडिट के पीछे नहीं भागता है। उसका ये रहता है कि जो भी किया चलो नेकी कर दरिया में डाल। वो कभी क्रेडिट के पीछे नहीं भागेगा कि नहीं हाँ हमने किया हमारा वो है और नहीं, उसको मेन उसका उद्देश्य है कि काम को अच्छे से पूरा कर दिया जाए।
अगर 7 नंबर अच्छा है स्ट्रांग पोजीशन में है तो। इसलिए 7 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं किसी भी चीज को, किसी भी काम को सिंसियर माने जाते हैं और अच्छा करने वाले होते हैं, चाहे उनका जॉब हो, चाहे वो कोई भी काम, जिस चीज जो भी काम करते हैं वो जिम्मेदारी से करते हैं और अच्छे से। प्रयास उनका ये होता है, वो नहीं कर पाए बात दूसरी, लेकिन उनका प्रयास ये होता है कि उस काम को हम अच्छे से पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो हमेशा जो है एकांत की तलाश में जो है ढूंढते रहते हैं कि कहाँ हमको एकांत मिलेगा। दूसरी बात, 7 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है वो फिजिकल वर्क जो होता है उसमें बड़ा माहिर होता है। फिजिकल वर्क का मतलब हुआ कि वो आपको, 7 नंबर वाला जो व्यक्ति होगा वो किसी भी तरह के काम को जहाँ पे कि उसको श्रम भी करना पड़े तो वहाँ पे भी वो इन्वॉल्व हो जाएगा, वहाँ पे भी वो काम करना शुरू कर देगा। 7 नंबर वाले व्यक्तियों के साथ एक और भी चीज़ होती है कि इस तरह के जो लोग होते हैं उनको घूमने वाला काम अगर दे दिया जाए, नई नई जगह पर घूम के काम करने वाला, मार्केटिंग का काम अगर करने का मिल जाए कि रोज नई जगह ढूंढने को मिल जाए, घूमने को मिल जाए, तो ऐसे लोग और अच्छे से काम करते हैं। खास करके इन लोगों को अगर इधर से उधर टहलने वाला काम दे दिया जाए कि आज चलो इस आप क्या कहते हैं सिटी में हो, कल उस सिटी में हो, इस तरह के काम में इनका और मन लगता है, क्योंकि इस तरह के लोग जो होते हैं उनको देशाटन की, घूमने की, इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है और उनको बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ों में। 7 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं, सामान्यतः 7 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा किसी से अटैच्ड नहीं होता है, अटैच्ड हो के भी अटैच्ड नहीं होता है कि आपसे, ठीक है आपका पति है या पत्नी है तो ठीक है चलो आपका केयर कर रहा है और बड़े अच्छे से केयर करेगा, 7 नंबर वाला आपको बहुत मान सम्मान देगा, आपको उचित वो आपके साथ ऑनेस्ट भी रहेगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक जो अटैचमेंट होता है वो हमेशा आपको मिसिंग लगेगा 7 नंबर वाले व्यक्ति के साथ। कि अभी आपके बगल में भी बैठा है तो आप पूछे हाँ एकदम तंद्रा से जाग जाता है। इसीलिए जो 7 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके जो वैवाहिक जीवन होता है सामान्यतः उसमें जो है इस वजह से कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत भी आ जाती है, लेकिन 7 नंबर वाले व्यक्ति इतने ज़्यादा अपने साथी के प्रति आनेस्ट होते हैं और इतना डेवोटी होते हैं, उनकी केयर करने वाले होते हैं कि ये जो चीज़ होती है उनकी उसमें छुप जाती है या वो साथी जो उनका होता है इस चीज़ को अवॉइड कर देता है। जबकि 7 नंबर वाले व्यक्ति रोमांटिक होते हैं, लेकिन रोमांटिक हैं सब कुछ है लेकिन अपना उनका जो एक डिस्टेंस होता है वो हमेशा बना रहता है, वो डिस्टेंस 7 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कभी नहीं खत्म करते। 7 नंबर वाले व्यक्तियों के साथ एक और होती है कि इस तरह के व्यक्ति जो कोई छुप के काम करना होता है, कोई इस तरह का जब काम करते हैं जहाँ पे कि छुप के करना है, चुपचाप काम करना है, तो बहुत अच्छा करते हैं। और ये कोई भी काम करें, इनका जो सामान्य जो नेचर होता है वो इस तरह का होता है कि हर काम को छुपा के करना, किसी से ना बताना, अपने बारे में डिटेल में नहीं बताना, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये ना बताना। 7 नंबर का व्यक्ति अगर आपके साथ आपके ऑफिस में, आप उससे कुछ पूछते हैं तो कहेगा हाँ अच्छा चलो बाद में बताते हैं, जल्दी आपको नहीं बताता है कुछ। 7 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है आप उसको कुछ अगर बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हाँ भाई ये है, पूरी बात आपकी ख़त्म हो गई कि हाँ आपने आधा घंटा उसको समझाया, लेकिन उसको अगर बात समझ में नहीं आती है तो वो आप मतलब सामान्यतः ये लोग जो दूसरी की जो राय होती है उस पर नहीं चलते, वो अपना जो उनके मन में आया करना उनको अपने मन की है। आप उनको दिन भर बैठ के समझाइए कि भाई इसको देखो ऐसे करेंगे तो ये होगा तो ये होगा तो ये होगा, उनका सब मामला फिर उठेंगे हाँ भाई ठीक है आपने बड़ा परिश्रम किया समझा दिया, लेकिन उनके लिए फिर हो गया।
सात नंबर वाले व्यक्ति जो सामान्यतः देखा गया है कि इन लोगों का गूढ़ जो सब्जेक्ट होता है, जैसे मैथ्स होती है, वो हिस्ट्री होती, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है और इन सब चीज़ों में ये लोग बहुत अच्छा भी करते हैं। इसी के साथ साथ सात नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो तंत्र मंत्र इस तरह की चीज़ों में भी काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सात नंबर वाले प्रकृति से भी बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, प्रकृति से बड़ा प्यार करने वाले होते हैं और प्रकृति से के हमेशा जो है वो पास में रहना चाहते हैं कि हाँ भाई हम प्रकृति के जो है काफ़ी प्यार करते हैं प्रकृति से। ऐसे लोग सात नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हमेशा किसी चीज की पूरा जीवन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, अगर किसी आप सात नंबर वाले व्यक्ति को आप देखिए और जानते हो, जो जिसको बचपन से आप जानते हो, तो आप ये देखेंगे कि शुरू से लेके टिल लास्ट पॉइंट अपने जीवन में वो आदमी पता नहीं क्या ढूंढ रहा था, उसको भी नहीं मालूम है, पता नहीं क्या वो लोग ढूंढते रहते, उनको हमेशा कुछ चीज की तलाश रहती है। इसी के साथ साथ मित्रों सात नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं बड़े जिद्दी भी होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ कुंडलियों में स्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं, मतलब कुछ थोड़ी भी इधर उधर हो गई, तो सात नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं बड़े बदतमीज टाइप के हो जाते हैं, ये आपको हम बता दे रहे हैं। नहीं, सब नहीं होते सात नंबर, अगर कुंडली में स्थितियां थोड़ी सी इधर उधर हो जाएं तो सात नंबर वाले व्यक्ति को लोग बदतमीज समझने लगते हैं, वो इतना अक्खड़ हो जाता है, वो इतना जिद्दी हो जाता है, किसी को कुछ नहीं समझता है, तो इसलिए उसको ये लगता है, लोगों को ये समाज को लगने लगता है कि ये आदमी देखो बदतमीज है, इसके मुँह नहीं लगता है, इससे दूर ही रहना है। इसीलिए सात नंबर वाले व्यक्तियों को समाज भी कभी कभी अलग कर देता है। समाज का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? समाज का मतलब है आपका घर परिवार मित्र यार, वो आपको अपने से दूर कर देते हैं, आपसे मिलना नहीं चाहते। तो सात नंबर वाला व्यक्ति जो है अकेला पड़ जाता है, उसका कारण यही होता है कि वो किसी को भी झिड़क देते हैं, किसी को भी जो है गलत बात बोल देते हैं, किसी को भी मतलब किसी का लिहाज नहीं करना, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं एक लिमिट तक तो ठीक होती है, लेकिन अगर ये चीज़ कुंडली में ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से जैसे हम आपको बता रहे थे अगर ज़्यादा हो गई तो फिर सात नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं समाज से थोड़ा सा कट जाते हैं, लोग उनको काट देते हैं, लोग उन लोगों से मिलना पसंद नहीं करते कि नहीं यार बड़ा बदतमीज आदमी, अक्खड़ आदमी है। तो ये सात नंबर वालों की एक कमी होती है, इस कमी को उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, दूसरे की बात भी सुनना चाहिए, दूसरे को भी समझना चाहिए। हाँ, सात नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो कर्म कांड होते हैं, धर्म कर्म जो होता है उसमें उसको बहुत नहीं मानते, उनका जो पूजा होती है उनका कहना होता है सात नंबर वालों को, भाई ठीक है दिल से दिल की पूजा हो गई, हो गया भाई, हमने दिल से याद कर लिया भगवान को, बस हो गया। तो वो कर्मकांड में और जो हम लोगों का एक सिस्टम होता है उसको नहीं मानते हैं, जो धार्मिक रीत रिवाज जो होता है उसमें नहीं हम ज़्यादा पढ़ते हैं, उस चीज़ों को उनको अच्छा नहीं लगता है, या कह सकते हैं आप कम, उनका ये होता है कि नहीं चलो ठीक है हम बैठे हुए हैं भगवान को याद कर लिया हो गया। क्योंकि उसका एक कारण ये भी होता है कि सात नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं अक्सर आलसी भी होते हैं, तो आलस की वजह से भी वो थोड़ा सा मंदिर उंदिर जाने से कतराते हैं। मित्रों सात नंबर वाला जो व्यक्ति होगा वो हमने आपको बताया ना कि अपने युवा अवस्था में ऐसे जो सात नंबर वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं और बार बार, क्योंकि रोमांटिक होते हैं और उनको सब अच्छे लगते हैं,
तो बहुत जल्दी जल्दी इस तरह के जो लोग होते हैं 7 नंबर वाले, बहुत जल्दी जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन दिक्कत उनकी कहाँ आती है, वही वहाँ पे उनका ईगो जाके मामला फंसा देता है। वो सबसे तो कह नहीं सकते भाई हाँ ठीक है हम प्यार करते हैं या हम तुमको तुम हमको अच्छे लगते हो या इस तरह का, तो ईगो जो होता है उनका उनके रोमांस में भी आड़े आता है, उनके इस तरह के प्यार में भी या उनके व्यक्तिगत जीवन में जो ये ईगो होता है ये आड़े आता है। केवल रोमांस में ही नहीं, व्यक्तिगत जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ पे उनकी इच्छा भी है अगर कुछ करने की है, लेकिन ईगो अगर हर्ट हो रहा है तो नहीं वो चुपचाप बैठे रहेंगे, नहीं जाएंगे कि अभी छोड़ो। तो ये 7 नंबर वालों के साथ एक और चीज होती है। हाँ, 7 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है वो अपनी ईगो को, अपने आप को, अपने उसको जो उसका जो एक इनर विल जो होता है उसको जीवन भर ढोता रहता है और उसको संतुष्ट करता रहता है। कभी कभी इस वजह से पूरे जीवन में उसको बहुत सारी चीज़ें खोनी भी पड़ जाती हैं या बहुत सारी चीज़ें जीवन में उसकी मिस हो जाती हैं इस विल को अपने अरे इस ईगो को लेके चलने में, अपने एक अंदर के जो झूठ मूठ का आप कह सकते हैं कि अति आत्मविश्वास या अति स्वाभिमान, उसकी वजह से कभी बहुत सारी चीज़ें इन लोगों के जीवन में मिस भी हो जाती हैं। तो इसलिए इन लोगों को थोड़ा सा जीवन में प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। अगर आपका 7 नंबर है तो आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और गौर करिए कि आपको जीवन में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़्यादा आवश्यकता है। और अगर आपके पति या पत्नी का 7 नंबर है तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि उनका नेचर इस तरह का है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि वो चाहता हो व्यक्ति लेकिन कह नहीं पा रहा हो अपनी ईगो की वजह से। तो ये जो 7 नंबर का एक होता है व्यक्तित्व, इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं तो 7 नंबर वालों के साथ बहुत आप आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपने अगर उनका एक बार ईगो फुलफिल कर दिया, मतलब कि अगर उसका सामने बैठा हुआ है और 2 रोटी खा लिया उसने, मन है उसका 3री रोटी खाने का लेकिन उसका ईगो आड़े आ रहा है कि नहीं हम मांगे कैसे 3री रोटी, लेकिन आपने बिना मांगे उसको अरे यार 3री भी खा लो, उस समय वो 3री रोटी खा लेगा और इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लेगा कि उसने जो है बिना मांगे हमको 3री रोटी दे दी थी। उसको वो आपको बाद में दूसरी तरीके से बहुत अच्छे से आपकी ज़रूरत पे पूरा करेगा। ये 7 नंबर वालों का सबसे बड़ा पॉइंट होता है क्योंकि ईगो की वजह से वो आपसे मांग नहीं सकते बहुत सी चीज़ें। तो आपने अगर उनको कर दिया कोई मदद किसी तरह की तो उस चीज़ को वो रखे रहते हैं और जब आपकी समय आएगा, जब आपका वक्त आएगा तो कहेंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है उसने देखो उस समय किया था चलो अभी हम कर देते हैं। तो ये 7 नंबर वालों के साथ एक होता है। सामान्यतः जो 7 नंबर के व्यक्ति होते हैं उनको जीवन में जो सामान्य चीज़ें हैं, सामान्य व्यवस्थाएं हैं वो मिल जाती हैं, लेकिन सामान्य से असामान्य के ऊपर जाने के लिए प्रयास ऐसे लोग बहुत करते हैं। लेकिन सामान्यतः ऐसे लोगों का प्रयास जो होता है वो लास्ट स्टेज आते आते, एकदम कभी कभी तो जीवन के एकदम आखिरी क्षण आते आते ही प्रयास उनका फलीभूत हो पाता है। उसमें 2-3 चीज़ें जो हमने आपको बता दी वो मेन होती हैं। तो इसलिए 7 नंबर अगर आपका है तो आपको अपनी इन सारी चीज़ों को, ये कमियां नहीं है अच्छी चीज़ है आपकी, एक आपका ये कह सकते हैं इन बिल्ट प्रोग्राम है जो बनाए हो, लेकिन उस चीज़ को अगर आप समझ गए हैं तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा मैनेज अगर कर लेंगे तो सफलताएं आपको जल्दी जल्दी मिलने लगेंगी। मित्रों, ऐसे जो लोग होते हैं 7 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं, ये लोग एक का चूँकि आपको हमने बताया ना कि अकेले रहना और गूढ़ विषय और रहस्य
उसको कह सकते हैं कि इसीलिए लोग इनको कहते हैं बहुत रहस्यवादी टाइप के लोग हैं। लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं, अगर 7 नंबर आपका है तो एक मित्र आप बात मेरी समझ लीजिए छोटी सी, कि आप बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे कहानीकार हो सकते हैं, खास करके कि इस जो इस तरह की अकल्ट से रिलेटेड स्टोरीज होती हैं या उपन्यास होते हैं, इस तरह की चीज़ें, इसमें आप जो है माहिर हो सकते हैं, तभी आप ध्यान दीजिए। इसी के साथ साथ मित्रों, जो 7 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है, वह एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि विशिष्ट व्यक्ति होता है। ठीक है, उसके अंदर ईगो होता है, ठीक है, वो चीज़ों की केयर आपकी करता है, लेकिन अपना ईगो संतुष्ट करने का बहुत सारी चीज़ें हैं। 7 नंबर वाले, हमने आपको बताया कि थोड़ा आलसी भी होते हैं कभी कभी, तो 7 नंबर, और थोड़ा अगर कुंडली में शुक्र का भी मामला होता है तो क्या होता है, 7 नंबर वाला व्यक्ति जो होता है वो आप देखेंगे तो नहाता भी कम है। क्या समझे आप, तो कभी आप इस बात को गौर करिएगा, अगर आपका 7 नंबर होगा तो भी देखिएगा। तो ये जो 7 नंबर की जो चीज़ें थी, ये हमने आज आपको बताई। तो मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, पुनः किसी नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।